सो है गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर। जी हाँ, IEX। आप लोग देखो कि स्टॉक में अचानक से ये 6.5-7% की गिरावट कहाँ से आ गई। सभी परेशान हो चुके हैं भाई, अचानक से गिरावट बनी है शेयर में 6.5-7% के करीब। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे भाई, गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला लिया जा रहा है और उस फैसले के बाद यहाँ पर हमें जो अभी दबाव देखने को मिल रहा है स्टॉक के ऊपर। तो क्या गवर्नमेंट का फैसला है उसके ऊपर आपको डिटेल में बताएंगे, जिसके कारण वॉल्यूम देखोगे भाई बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम आ गई है। सुबह सुबह आप लोग देखोगे 4.5 करोड़ के करीब वॉल्यूम आ गई आज के दिन। 11:30 बजे के आसपास तक 4.5 करोड़ तक की वॉल्यूम आ गई। अभी सारा दिन बाकी है, तो आगे स्टॉक में कैसा क्या माहौल बनेगा वो जानेंगे डिटेल में। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो कि स्टॉक ने आज 52-वीक हाई क्रिएट किया, ठीक है। 244 रुपये का फ्रेश भाव जो हाई है वो बनाया ना, और पिछले कुछ टाइम से लगातार शेयर में हमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार तेजी स्टॉक में रही है। 121 रुपये इसका 52-वीक लो बना है और 121 से आप लो 244 का हाई। तो दो काम हुए, एक तो देखो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, इतना हाई स्टॉक पहुंचा हुआ था ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग लिया गया। दूसरा फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो ये आज के दिन ऐलान हुआ है वो, तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट बनी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो हो गया 52-वीक हाई से प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आज IEX के शेयरों में 4% से भी अधिक की जो गिरावट है वो आई है, क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार पावर एक्सचेंजों को जोड़ने पर विचार कर रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट का जो विचार है वो है कि पावर एक्सचेंजों को जोड़ना, और ये जो खबर है वो हमें आज देखने को मिले भी 10:30 बजे के आसपास, 24 तारीख की न्यूज़ है, जिसके बाद से जो ये स्टॉक है धड़ाशाम होते हुए नजर आया भी ऊपर से। तो यहाँ पर देखोगे ETNow की रिपोर्ट के बाद, ETNow पर रिपोर्ट आई भाई, उसके बाद जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर है वो 4% से ज़्यादा की गिरावट में आया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार पावर एक्सचेंजों को जोड़ने पर विचार कर रही है और इसी संभावित कदम ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जिसके कारण IEX के शेयरों में भारी गिरावट आते हुए नजर आ रही है। पावर एक्सचेंज कपलिंग एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कीमतों में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए कई पावर एक्सचेंजों के एकीकरण को सक्षम बनाता है। ETNow ने कहा कि सरकार बाजार संयोजन प्रस्तावों पर आगे बढ़ रही है, और ETNow के अनुसार बिजली मंत्रालय ने ग्रिड इंडिया को समय पर जो पायलट अध्ययन पूरा करने को कहा है, और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया CERC के निर्देश में पायलट अध्ययन कर रहा है, और ग्रिड इंडिया द्वारा 1 महीने के भीतर रिपोर्ट भेजे जाने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न तकनीकी पहलुओं की तरह आप लोग देखोगे पूरी तरह से जांच की जाएगी, जिसके बाद CERC अंतिम निर्णय लेगा। ETNow की रिपोर्ट के अनुसार बिजली मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के अंत तक, यानी जो ये 2025 के अंत तक या फिर वित्त वर्ष 2026 के शुरुआती टाइम तक एक नई प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है, और मार्केट कपलिंग से एक समान मार्केट क्लियरिंग मूल्य स्थापित होगा, और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें क्रैश होते हुए नजर आए हैं सुबह सुबह भैया आज के दिन, ठीक है। जो ये मार्केट कपलिंग का जो प्लान है गवर्नमेंट का वो, ठीक है, यानी कि सभी एक्सचेंजों को एक साथ लेकर आना। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी इसका चार्ट। जैसा कि यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक आपको एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप लोग देखोगे स्टॉक एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर था ना, यहाँ से आप लोग देखोगे ये अप ट्रेंड यहाँ से, और इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेक डाउन आया यहाँ पर, ठीक, उसके बाद स्टॉक में गिरावट की संभावना बढ़ गई है भाई। तो यहाँ से सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 220 पर, 220 का सपोर्ट है, और नीचे में कटा 220 का सपोर्ट तो फिर ये शेयर आप लो दो 200 के आसपास के मूव हमें नीचे में दिखा सकता है फिर तो, ठीक है। 200 रुपये के आसपास तक जो स्टॉक है वो नीचे में आ सकता है, तो इसलिए इसका अहम सपोर्ट अभी 220 का। अगर इसके नीचे में कटते हुए नजर आए तो ऊपर प्रॉफिट लेना ठीक रहेगा, अगर इसके ऊपर है तो अपना जो कुछ है वो बना कर चलिए भाई, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, और पिछले कुछ टाइम से स्टॉक में काफ़ी शानदार एक्शन है भाई, बहुत शानदार रैली बनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।